नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने व्यापार या नौकरी इन पर कुछ योग आपको बताने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ दर्शकों की प्रतिक्रिया से मैंने महसूस किया कि उन्हें कुछ समझने में कठिनाई आ रही है। देखिए दर्शकों, वैसे तो ज्योतिष बहुत ही गूढ़ विद्या है जो दैवीय कृपा के बिना नहीं मिलती, और इसको समझने के लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। लेकिन अपने आने वाले वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि आपको ज्योतिष का एक सामान्य ज्ञान धीरे धीरे दे सकूं, ताकि आपको मेरे शब्द समझने में कोई कठिनाई ना हो। आज के वीडियो में मैं आपको राशियों की कुछ सामान्य विशेषताएं बताने जा रही हूं। देखिए राशि 12 होती है, जिनके नाम है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। सबसे पहले आपको इन राशियों को सीरियल वाइज याद करने की कोशिश करनी है। राशियां 3 प्रकार की होती हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। मेष, कर्क, तुला और मकर ये चर राशियों के अंतर्गत आती हैं। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ ये राशियां स्थिर स्वभाव की होती हैं। मिथुन, कन्या, धनु और मीन इन राशियों को द्विस्वभाव राशियां कहा गया है। दोस्तों, कभी हम राशि का नाम और कभी उनका जो क्रम है, जैसा कि मैंने आपको 1 से लेकर के 12 तक बताया है, तो आप यदि उस क्रम को याद रखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी और मुझे बोलने में। जैसे यदि मैं मेष, सिंह और धनु ना कह करके यदि मैं 1, 5 और 9 बोलती हूँ, तो इसका आशय यही होगा कि जो 1 नंबर पर राशि है वो मेष राशि है, जो 5 नंबर पर राशि है वो सिंह राशि है, और जो 9 नंबर पर राशि है वो धनु राशि है। इसी तरह अगर मैं अगले क्रम में बात करूँ 2, 6, 10, तो 2, 6, 10 का मतलब यही है कि वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, ये राशियां पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। अगले में बात करें तो 3, 7, 11 ये क्रम आता है। 3 का मतलब मिथुन, तुला और कुंभ ये वायु तत्व राशियां हैं। इसके आगे 4, 8 और 12, 4 का मतलब कर्क राशि, 8 का मतलब वृश्चिक राशि और 12 का मतलब मीन राशि, ये राशियां जल तत्व की राशियां हैं। कुंडली में व्यापार, व्यवसाय या नौकरी को देखने के लिए दशम भाव का महत्वपूर्ण स्थान है। दशम भाव हम लग्न से दशम भाव, चंद्रमा से दशम भाव और सूर्य से दशम भाव को महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि चंद्रमा हमारा मन है। जब चंद्रमा से दशम भाव बली होता है तो जातक अपना मनचाहा व्यापार, व्यवसाय या नौकरी कर सकता है। अगर सूर्य से दशम भाव बली है तो जातक का कार्य क्षेत्र काफी विख्यात और उच्च कोटि का होता है, जिसमें उसको कार्य करने से प्रतिष्ठा और मान सम्मान प्राप्त होता है। यदि लग्न से दसवां भाव मजबूत है आपका, तो आपको अपने मन या मजबूरी से उस व्यवसाय को अपनाना ही पड़ेगा। इसलिए इन तीनों ही कुंडलियों का महत्वपूर्ण स्थान है, और इन कुंडलियों के माध्यम से जो दसवां भाव हमारे आता है, उनमें जो ग्रह, जो राशि या उन पर जिन जिन ग्रहों की दृष्टि होती है, आजीविका का चयन करने में इन सब चीजों को महत्वपूर्ण दृष्टि से देखना चाहिए। यही सब हमारी आजीविका का निर्धारण करती हैं। अब हम अपने मेन विषय पर आते हैं कि किसी व्यक्ति के दशम भाव में यदि मेष राशि हो तो जातक क्या क्या व्यवसाय कर सकता है। मेष राशि, जैसा कि मैंने पहले बताया, एक चर राशि है और अग्नि तत्व राशि है। यदि मेष राशि से चंद्र, मंगल या बुध का संबंध बन जाए तो जातक ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना कैरियर बना सकता है। यदि दशम भाव में वृषभ राशि हो तो जातक वन विभाग, कृषि,
या अकाउंटेंट से संबंधित कार्य कर सकता है। यदि दशम भाव में मिथुन राशि हो तो जातक शिक्षण कार्य, कोरियर सर्विस, दूतावास और प्रोफेसर या लेक्चरर संबंधित विषयों में अपनी आजीविका चुन सकता है। यदि दशम भाव में कर्क राशि हो तो जातक रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, धार्मिक कार्य से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं वो और चांदी के आभूषण तथा समाज सेवा से संबंधित कार्य कर सकता है। यदि दशम भाव में सिंह राशि हो तो जातक कठिन परिश्रम से करने वाले कार्य, सरकारी काम तथा धातु से संबंधित कार्यों के अंदर अपना व्यवसाय या आजीविका चुन सकता है। यदि दशम भाव में कन्या राशि हो तो ऐसा जातक अपनी नौकरी या व्यवसाय को गंभीरता से नहीं लेता और अपने कार्यों के प्रति उदासीन बना रहता है। फिर भी वह जातक ट्रांसपोर्ट, लेखक, चित्रण इत्यादि में अपना करियर बना सकता है। यदि दशम भाव में किसी व्यक्ति के तुला राशि आती है तो ऐसा जातक अपने व्यापार व्यवसाय में तीव्रता से उन्नति करता है। ऐसा जातक वित्तीय सलाहकार बहुत अच्छी तरह से निभाता है और यदि इस राशि में बुध और राहु की युति दशम भाव में हो जाए तो जातक एक बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है। यदि दशम भाव में वृश्चिक राशि आ रही हो तो जातक कठिन परिश्रम वाले कार्य जैसे सेना या पुलिस से संबंधित कार्य करता है तथा इसके साथ साथ जल संबंधित जलयान, कृषि इत्यादि में भी वो अपना करियर बना सकता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में दशम भाव के अंदर धनु राशि आती है ऐसे जातक सचिव, क्लर्क और चौकीदारी जैसे कार्यों के अंदर अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन ऐसे जातक अपने क्रोधी स्वभाव के कारण अपने व्यवसाय या व्यापार स्थल पर अपने अनेक विरोधियों को जन्म दे लेते हैं जिससे उन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिनकी कुंडली में दशम भाव के अंदर मकर राशि आती है ऐसे जातक अति मेहनती व्यक्ति होते हैं और मेहनत से करने वाले कार्य इसके साथ साथ समाज सुधारक के कार्य कर पाते हैं। लेकिन ऐसे जातकों को अपने जीवन के अंदर परिस्थितियों के अनुसार कार्य करना पड़ता है, यानी ये जातक बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाते और इन्हें समय समय पर अपनी परिस्थितियों के अनुसार कार्यों का चयन करना पड़ता है। जिनकी कुंडली के दशम भाव में कुंभ राशि आती है ऐसे जातक राजनीति के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं, क्योंकि ये जातक अपने विरोधियों को वश में रखने वाले और अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने वाले होते हैं। यदि कुंडली के दशम भाव में मीन राशि आती हो तो ऐसे जातक नीति युक्त कार्य जैसे खेल, क्योंकि इनके अंदर कुछ नियम होते हैं तो ऐसे कार्य में ये लोग सफल होते हैं। वैसे मीन राशि वाले लोगों को व्यापार की बजाय नौकरी के अंदर ही अपना करियर बनाना चाहिए। अगर ये व्यवसाय करना ही चाहते हैं तो पानी से संबंधित कार्यों के अंदर ये लोग तरक्की कर सकते हैं। तो मित्रों, ये थी आज की जानकारी। अगले आने वाले वीडियो में और भी नई जानकारी के साथ मैं आपकी सेवा में हाजिर होंगी। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस को आप तुरंत देख सके। इसके साथ साथ यदि आपको किसी विषय में विशेष जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।